प्यारे साथियों, आज मैं आप लोग को साइबर ठग का एक लाइव डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे साइबर ठग हम लोगों को अपने जाल में फंसाता है। साइबर ठग हमेशा यही फिराक में रहता है कि लोग कैसे उनके झांसे में आते हैं। ये फ्लिपकार्ट का आप यहाँ देख रहे हैं, मैं फेसबुक पर एक फ्लिपकार्ट का यहाँ पर आइकन है, जिस तरह से फ्लिपकार्ट ऐड करती है लोगो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ देखिए एक ठगी का एक ऑफ़र बिठाए हुए है। यहाँ पर गेट ऑफ़र है लिया हुआ, यहाँ पर सैमसंग S10 3499 रुपीज़, डिलीवरी स्टार्ट ऑल ओवर इंडिया, लॉकडाउन सेल के नाम से ये सेल लगाया गया है। आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन में लंबे से मार्च का और अप्रैल का सेल फ्लिपकार्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर ये लॉकडाउन सेल के नाम से एक सेल दे दिया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। और इसके अंदर जब हम लोग जाते हैं तो देखिए क्या होता है, जैसे ही अब यहाँ पर खुलता है तो यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ देख रहे हैं 7 May रेफर डॉट साइट पर हमें लेके चला गया, ठीक है। इस साइट के बारे में विशेष हम लोग को जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट रेफर, ठीक है, पेज ऑफ 80% ऑफ डिस्काउंट ऑफर है, या होम है, अनकैटेगराइज्ड है, 80% ऑफ डिस्काउंट ऑफर है, 80% ऑफ डिस्काउंट ऑफर हम लोग का खुला हुआ है। यहाँ बिल्कुल फ्लिपकार्ट का जो लोगो है उसी तरह से दिया हुआ है। यहाँ ओप्पो F11 प्रो ओनली 2499 रुपीज़। सोच लीजिए कितना बड़ा जो 20-22 हज़ार का सेट है वो मात्र 2500 में देने का दावा करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या मिलता है। कंटिन्यू पर जब क्लिक करते हैं तो बिल्कुल ये फ्लिपकार्ट का जिस तरह से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि मैं मेंबर फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी हूँ, ठीक है, यहाँ मेंबरशिप भी मेरा दिखा रहा है। ज्यों ही हम ऑफर जोन में जाते हैं यहाँ पर सारा फ्लिपकार्ट का जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से डील ऑफ द डे 17 hours 42 minutes रिमेनिंग, मतलब 17 घंटा 42 मिनट अभी ये सेल चलेगा। यहाँ पर देखिए वीवो Z1 प्रो का, ठीक है, कितना रेट है, कितना दिखा रहा है, आप हैरान रह जाएंगे कि सारे सेट का, सारे जो प्रोडक्ट हैं इस पर, तो उसका रेट में कितना का अंतर, आसमान ज़मीन का अंतर है। क्योंकि कोई भी साधारण इंसान जो कि इस तरह की वस्तुओं की चाह रखता है वो आसानी से इन लोगों का शिकार हो सकता है। इसलिए मैं फिर एक बार आप लोग को आगाह कर रहा हूँ कि इस तरह का लिंक पर पहले बात तो क्लिक कर लेते हैं तो फिर देख लें और आप स्वस्थ हो लाएँ कि क्या इस तरह का ऑफ़र फ्लिपकार्ट पहले कभी दी है या दी जा सकती है। इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट बने हुए हैं तो उससे आपको सतर्क रहना। मैं आगे दिखाऊंगा कि इसमें और क्या क्या इन लोगों ने किया है, ठीक है। तो इस तरह के साइबर ठग से हम लोग को हमेशा सतर्क रहना है। हम लोग छोटे मोटे लालच के चलते कि इतना ये चल रहा है वो चल रहा है कि चलते हम लोग क्या करते हैं, लिंक को शेयर करने लगते हैं बिना जाने पहचाने। तो पहले उन दोस्तों को भी आप लोग को मना करना है कि कृपया कर इस तरह का लिंक शेयर ना करें जिससे हमें मुफ्त का लालच दिया जा रहा हो। मुफ्त का लालच सरकार यहाँ हमारे देश में, जहाँ मुफ्त का कोई किसी को मदद नहीं करता है, मुफ्त में किसी को सलाह नहीं देता है, वहाँ आपको कम सामान में, कम समय में आपको इतना बड़ा वस्तु नहीं दे सकता है। इसीलिए बिल्कुल सतर्क रहें और पूरा वीडियो देखें कि आगे क्या होता है। अब मान लीजिए मुझे ये लैपटॉप ख़रीदना है, ठीक है, तो मैं लैपटॉप इस पर क्लिक करता हूँ, बिल्कुल जैसा प्रोसेस है, रिव्यू रेट सारा कॉपी किया हुआ है यहाँ पर फ्लिपकार्ट का, लेकिन ऑफ़र 97 ऑफ साइट यहाँ पर दिखा रहा है ऊपर, जो एक फेक साइट है, फ्लिपकार्ट का सारा चीज़ दिखा रहा है लेकिन ऊपर हम लोग को समस्या होगी, ठीक है। यदि इसमें आपको लग रहा है थोड़ा सा भी कि नहीं सही हो सकता है तो आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के साइट पर अगर जाते हैं तो देखिएगा इसके प्राइस, उसके प्राइस में वैरी कर जाता है, सारा रिव्यू वगैरह उसी तरह का दिखा रहा है, ठीक है ना। तब आगे हम लोग चलते हैं बाय नाउ पर, बाय नाउ पर चलते हैं तो जिस तरह से हमारा, अगर मैं इसका ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पर, यही से हमें शक हुआ कि मैं ऑलरेडी फ्लिपकार्ट का मेंबर हूँ, वो भी प्लस मेंबर हूँ, तो मुझे फिर पुनः डाटा भरने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर। तो हम लोग जल्दी जल्दी से कुछ करते नहीं है, एक पिन कोड कोई भी भर देता हूँ सिर्फ समझने के लिए, ठीक है।
यहाँ पर बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, आप अपना भी भर सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ हम यहाँ पर भर दिए, लैंडमार्क भी, यहाँ नेम भी, ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर दे दिया, दोनों में हम लोगों ने अलग अलग नंबर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ सेव कर दिया मैंने, यहाँ सेव का मैंने ऑप्शन कर दिया, देख रहे हैं कि मैंने सारा डिटेल फर्जी डाला, ठीक है। फिर हमें कहाँ पर लेके चला है, प्राइस, टोटल प्राइस व्यू, यहाँ भी हम लोग चेक करते हैं प्राइस वैल्यू की क्या क्या है, तो यहाँ देखिए ऊपर दिखा रहा है वो प्राइस वैल्यू, यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ देख रहे हैं पे ऑफर, यहाँ 97 ऑफ डॉट साइट पर आ गए हैं, पेमेंट है, पेमेंट क्या है, पेमेंट की पेमेंट पेटीएम के माध्यम से यहाँ ले रहा है, माई आइटम प्राइस वन है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, इतना है। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू पर हम लोग यहाँ पर जो आपके रहेंगे कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहे हैं, पेटीएम से दे रहे हैं, एयरटेल, मतलब जितने तरह के आपके पास ऑनलाइन पेमेंट मोड आ जाएंगे वो दिखाने लगेगा। चलिए तो मैं पेटीएम से पेमेंट करूँगा, पेटीएम पर ही जाना है तो, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अब जो ही यहाँ पर आते हैं, मामिनुल मियाँ ए फ्लिपकार्ट डॉट पेमेंट डॉट नाउ एट यू पी आई। अब मैं यहाँ पर पेमेंट करके एयरटेल पेमेंट बैंक से मेरा पैसा कट जाएगा, यहाँ प्रोसीड जैसे करके मैं पासवर्ड इंटर करूँगा तो पैसे फ्लिपकार्ट के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा 2000 रुपया, जैसे आप लोग भी अगर इस तरह की घटना देते हैं तो आपका भी 2000 रुपये का नुकसान तुरंत हो जाएंगे, इसीलिए सतर्क रहें। मैं जो ही देखा तो आप लोग के लिए सतर्क करने के लिए मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो को जिसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी हमारे मित्र भाई बंधु जो पूरी मेहनत से जो पैसे अर्न करते हैं, ना जाने किन से इस ऑफर का लाभ लेने के चलते अपने दोस्तों से मदद लेकर के इस तरह की खरीदारी ना कर लें, इसीलिए आप लोग भी उन्हें सजग रहने के लिए सलाह दें। और आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस तरह का जो डिस्काउंट का लालच मिले, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, BSNL रिचार्ज के भी ऑफर आते हैं जिसे हम लोग धड़ल्ले से शेयर कर लेते हैं बिना जाने, बिना उन्हें चेक किए हुए, ये भी आप लोग को बंद कर देना है। तो आज का वीडियो शायद आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, ये एक तरह का मैसेज वाला वीडियो है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा, इसीलिए आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो प्रोसीड टू पिन पर आता है, यहाँ पर इस तरह का दिखाता है, तो मैं अब यहीं पर वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि यह मुझे यहाँ पर प्रोसीड करने पर मेरी खुद का अकाउंट हैक होने की डर है।